इकोनॉमिक तबके से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या ना हो, चाहे वो किसान हो या ना हो, चाहे वो कहीं नौकरी करता हो या ना हो, उसकी इनकम कितनी भी हो, लेकिन उसको इस स्कीम का फायदा मिलता है। ये मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब हम एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया रखते थे तो उसमें जो हमारे जरूरतमंद थे कभी कभी वो भी बेचारे छूट जाते, दवाखाने में हमारी या सरकारी अस्पताल में हमें हमारी ट्रीटमेंट नहीं करने की इच्छा हो, हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना हो, तो वो भी हम लोग जो है इस स्कीम के तहत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये एक अपने आप में एक सक्सेस, तो हम सब जो है बहुत आत्मीयता के साथ में केंद्र सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं, एज सिविल सोसाइटी भी, एज एडमिनिस्ट्रेशन भी और एज आवाम भी। पूरी दुनिया भर में ही नहीं, पूरे देश भर में नहीं, सबसे पहले जो है उसकी शुरुआत हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से हुई है और उसी के तहत आने वाले दिनों में हर हमारे इंसान को इसका फायदा मिलता जाएगा। दोस्तों मैं ये भी बताता चलूं आपको, भले ही हमें 1-1.25 लाख के आसपास गोल्डन कार्ड मिले, लेकिन उसमें से भी 60% लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हम अब तक करवा पाए हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं लोगों को हमें लाना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम की तरफ लाने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन हमें काउंटर पे करवाना पड़ेगा। एक मॉडल ये भी है कि जो भी इंसान हमारे सरकारी दवाखाने में आता है, जो भी हमारे या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर सीएचसी पे या फिर पीएचसी में आता है, तो पहला सवाल हमें ये पूछना है कि क्या आपका गोल्डन कार्ड बना हुआ है, और अगर उनका गोल्डन कार्ड नहीं बना होगा तो हमें सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन वहां पे करवा के लेना है। क्योंकि मैं भले ही कहूंगा कि एक आप मलम कम लगाए, एक दवाई कम दे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल आपको पूछना जरूरी है कि क्या आपने आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन या फिर सेहत का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आने वाले दिनों में हमारा काम बहुत भारी मात्रा में बढ़ा हुआ है। अभी सिर्फ हमें ये 50,000 लोगों, जो भी लोग छूटे हुए, उसको सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे हम लोग उस मसले को चर्चा करें या उठाएं, उससे बेटर है कि हम कोशिश करें कि अपने अपने ब्लॉक लेवल पे हम लोग टाइप करें और कोशिश करें कि रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो गांव गांव लगे, एक शेड्यूल जो है हम मेडिकल ऑफिसर के साथ में बैठ के बनाए जिसमें हमारी सारी पंचायतें कवर हो जाए। सारी यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, उनको कि ये आज इन्होंने जो ये मौका आपको दिया 5 मिनट बोलने का, इसके लिए भी हमने यहाँ पे इतनी गैदरिंग की और ये प्रोग्राम कामयाब करने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर डोडा, एसएसपी डोडा, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा, बाकी तमाम जिला इंतजामिया, मेरे साथी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन, म्यूनिसपैलिटी प्रेसिडेंट, डीडीसी के मेंबर व दीगर हजरात, मैं आप सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करता हूं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और यूनियन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी स्कीम लॉन्च की, जो पहले 2018 में जैसे यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब ने वादा किया कि पहले कुछ मखसूस लोगों के लिए ये स्कीम थी, और आज का ये सुनहरा दिन, आज का ये अच्छा दिन जिसमें आप हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की तमाम बाशूर आवाम जितनी भी है उसके लिए ये स्कीम आई है, तो मैं इसका तहे दिल से इस वक्त की भारतीय सरकार को मिलना चाहिए। जैसे मेरे साथी यहाँ चेयरमैन कास्तिकगढ़ अब्दुल गनी बरसात ने भी फरमाया कि इससे हमारे यहाँ बहुत फायदा होगा, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा रखता हूँ। लेकिन गुजारिश मेरी तमाम हेल्थ कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन से गुजारिश है कि इस स्कीम में तमाम बेनिफिशियरी को ऐड किया जाए, इस पर ध्यान दें, यही मेरी गुजारिश रहेगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी जो आपकी टीम है यहाँ जिला इंतजामिया जिसको लेड डिप्टी सागर डेफोडे साहब करते हैं तो वो भी साथ देंगे, और चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा की जो टीम है वो इस पे काम करेगी और हमारे तमाम लोगों को जो है इसमें ऐड करेगी, इसमें
वो गोल्डन कार्ड जो है वो इशू कराएगी, उसको इशू करने के बाद इंशाल्लाह हमारे लोगों को बेनिफिट होगा, यही उम्मीद मैं रखूंगा। और इन्हीं अल्फाज में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। काबिले एहतराम बीबीसी डोडा, एसटी साहिब डोडा, एसीआर साहिब डोडा और सेमो साहिब डोडा और हमारे चेयरपर्सन और हमारी आशा वर्कर साहिबान और डॉक्टर साहिबान सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। टाइम की किल्लत की होने की वजह से आज का दिन जो है वो बहुत ही खुशी का दिन है आम गरीब जनता के लिए, क्योंकि आज का हमें पिछले एक साल से लोगों ने बड़े तंग किए कि हमारा कार्ड नहीं बना, और हमें बड़ी उम्मीद है आज के बाद हमारे जो गरीब आवाम है उनके ये कार्ड बनेंगे और वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डिजिटल में बल्कि इसी में अच्छा काम नहीं किया, बल्कि हर सेक्टर में हर जो हमारा यहाँ पे कोई भी महकमा है उनमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, तारीफ के लायक किया है। और मेरी तरफ से तमाम जो हमारे आशा वर्कर साहिबान हैं उनको मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी कि वो हमारे गरीब जो आवाम है इनका वो कार्ड जो है वो हर एक को मिलना चाहिए। थैंक यू। आदरणीय डीसी साहब, एसएसपी साहब यहाँ आए हुए सभी ऑफिसरान व ऑनरेबल बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी चेयरमैन और इनके अलावा मेरे ऑनरेबल काउंसलर यहाँ आए हुए मेरी माताओं बहनों, जैसे कि आपको सीएमओ साहब ने पूरी डिटेल में बता दिया कि इस स्कीम से हमें क्या फायदे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है ये बड़ा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। जैसे यहाँ के गांव वाले इलाज के लिए आते और दर दर हो जाते थे, अब इस स्कीम के तहत हमारे गरीब आवाम को इससे बहुत फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो लोग किसी भी इलाज के लिए एफर्ट ना कर पाते थे, इस पर कम से कम प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो स्कीम आज लॉन्च की गई है, मैं इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगा विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रिपरिषद के साथी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पीएमओ में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे भाई जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधिगण और मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वैसे मेरी इच्छा थी कि कार्यक्रम कभी हो,
अगर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर यह हो पाता, लेकिन मेरी अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कल इसे नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज की डेट तय करनी पड़ी। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे। इन्हीं तीन मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मैं आज मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया है,